पहला ऑब्जेक्ट जो कॉमन फीचर सबसे ज्यादा हमको देखने मिलेगा वह है डायमीटर। डायमीटर में यह सर्कल बना हुआ है। अब यह इसकी सेंटर लाइन है, यह इसका केंद्र बिंदु है। पहला तरीका लीडर लाइन बनाए, स्केल को केंद्र बिंदु से पास करते हुए रखें, लीडर लाइन बनाई और लीडर लाइन के ऊपर यह 5-10 इंगित किया। दूसरा तरीका, एक लाइन जो है वो इस तरह से बनाए, यह सर्कल को काटेगी नहीं लेकिन बाहर दोनों हिस्सों पे टच करेगी, ये कैरो यहां ये कैरो यहां, लीडर लाइन को एक्सटेंड किया और 5-10। यदि इस व्यू में हमको डायमेंशनिंग करनी है और जगह कम है तो हम इस सर्कुलर पोर्शन, ये जो होल है और ये काउंटर संग किया हुआ है, इसमें हम यहां एक्सटेंशन लाइन यहां से लेंगे, एक एरो बनाया ये 570, ये दूसरा एरो इस सर्कल के लिए 590। जरूरी नहीं है कि हम यहां को एक्सटेंशन लाइंस को आगे तक ले जाएं क्योंकि जगह कम है। दूसरा जो कॉमन फीचर हमने देखने मिलता है, स्फीयर। स्फीयर यानी गोला, गेंद। अब यह हमारी सेंटर लाइन, यह सरफेस जो है वो स्फेरिकल है। इसको मार्क करने के लिए, डायमेंशन इसकी दर्शाने के लिए एक लाइन खींचे जो दोनों कर्व्स के पोर्शन को टच करे, एरो बनाया, इस लीडर लाइन को एक्सटेंड किया, 520 SPHER लिखेंगे। दूसरा स्पीड देखें किसी तरह का, जहां पर यह एक गोल राउंडेड पोर्शन है और यह पोर्शन हाफ स्फीयर है, इसके सेंटर पॉइंट से लाइन खींची, लीडर लाइन, यह यहां से यहां तक की दूरी है 10, इसका डायमीटर, तो ये 10 यहां पे 510 SPHER मेंशन करेंगे। तीसरा देखिए, रेडियस, त्रिज्या। सामान्यतः हम ड्राइंग में ये देखेंगे कि जो कोने वाले हिस्से हैं उनको गोल किया जाता है ताकि जो ऑब्जेक्ट का यूजर है उसके लगे नहीं। तो यह देखिए, यह रेडियस, एक यह इसके रेडियस दिया गया है, एक यह गोलाई है। तो इस तरह की जो है उसमें, जैसे मान लीजिए इस गोलाई का रेडियस 3 है, तो यहां पर आप लिखेंगे लीडर लाइन बनाकर एरो 3R। इसके लिए आपको इसकी फिलेट की रेडियस देनी है, यह है 4R। यह जो रेडियस है तो इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए यहां आता है, तो यह एरो बनाया 25R। पेंसिल से यह लाइन मिटा लें। इसके बाद हम अगला देखते हैं, टेपर। अब ये देखिए टेपर, टेपर मतलब एक गोलाकार रॉड जैसा हिस्सा, सिलेंड्रिकल, जिसका एक सिरे का डायमीटर कम है, दूसरे सिरे का डायमीटर ज्यादा है। ऐसा हमको देखने मिलता है जैसे लेथ मशीन के टेल स्ट्रोक में, और कहीं पे यदि रैंप बनाया है तो उसका स्लोप यदि दर्शाना है तो टेपर। तो अब यह जैसे 40 है तो टेपर आप दर्शाने के लिए यहां से एक लाइन खींचेंगे और यह 40 में यह आपका यह टेपर दिया गया है। यह जैसे मान लीजिए 5 mm है, तो टेपर कितना हो गया, 40 दूरी चलते हुए 5 mm का टेपर दिया गया है, तो टेपर हो गया 1 in 8। 8 mm दूरी चलने पर 1 mm इसको टेढ़ा किया गया है। अब अगला, एंगल्स की डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। यह देखिए, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इसमें हम 45 अंदर लिखने के लिए हमारे पास में जगह है, तो अब हम ये कर्व बनाएंगे और इस तरह से एंगल की डायमेंशनिंग करेंगे। परंतु इस केस में हमारे पास जगह नहीं है, तो हम क्या करें कि एक कंपास लेकर यह आर्क ऐसे बनाए और यह ऐसे बनाए, यहां पर एरो हेड बनाया और यहां पर यह अंदर 15 डिग्री लिख दिया। अब एक और जो काउंटर संकिंग और बोरिंग, सबसे पहले समझते हैं बोरिंग। बोरिंग का मतलब, यह एक ड्रिल हमने होल किया इस डायमेंशन का 10 mm का, यह एक प्लेट है
इसके अंदर ये होल किया, इसको हमने सेक्शन किया और हैचिंग से दर्शाया है। अब इस होल को हमने एक बार ड्रिल से कर दिया, परंतु हमारी ऐसी आवश्यकता है कि हमको इसमें किसी तरह का बोल्ट फिट करना है। तो यह देखिए, इस तरह का जो बोल्ट होगा, जिसका यह हिस्सा भी फ्लैट है, या इस तरह का कोई स्क्रू जिसके दोनों हिस्से फ्लैट है, या ऐसा कोई वुडन स्क्रू जिसका यह सरफेस फ्लैट है, यह सरफेस फ्लैट है, तो उस केस में हम इस होल को बड़ा करते हैं, जिससे कि यह बोल्ट या स्क्रू जो है बाहर निकले नहीं और सरफेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करे, सरफेस स्मूथ रहे, इसके अंदर बैठ जाए। तो इसको कहते हैं काउंटर बोरिंग। कुछ केसेस में हमको यह भी, मैंने काउंटर बोरिंग का ही व्यू बनाया है इसी को समझाने के लिए। अब ये देखिए, इसको यदि मैं टेपर कर दूं इस तरह से कोई ड्रिल से या किसी कटिंग टूल से, यह हिस्सा हटा दिया जाए, तो यह कहां चाहिएगा? जैसे यह स्क्रू देखिए, यह स्क्रू का यह सरफेस जो है वो टेपर है, तो ऐसे स्क्रू को यदि सरफेस के साथ फ्लश करना है या बिठाना है, या ऐसा स्क्रू, वुडन स्क्रूज है जिनमें आधी थ्रेड्स हैं, यहां पर थ्रेड्स नहीं है, इसमें पूरी थ्रेड्स है, यह इसके अंदर बैठ जाएगा, और यह टेपर है, तो टेपर होने के कारण यह वाला सरफेस, ऐसे जब स्क्रू या बोल्ट हमको यूज करना हो तो हम काउंटर सिंकिंग करते हैं। काउंटर सिंकिंग को डायमेंशनिंग करने के लिए, यह जो डायमेंशन है इसको यहां पर लीडर लाइन दर्शाएं और 510, इसी तरह इसमें भी करना होगा, लीडर लाइन दर्शाकर 510। काउंटर सिंकिंग की डेप्थ दर्शाने के लिए वही एक्सटेंशन लाइन लीजिए 15 mm, यहां पर जगह नहीं है, एक्सटेंशन लाइन बाहर से लाएंगे। काउंटर बोरिंग की डेप्थ, काउंटर सिंकिंग की डेप्थ 15 है दोनों में। यह जो डायमीटर है, यह हमने इस गोल व्यू में दर्शाया है। डायमीटर्स को सामान्यतया जहां पर वो गोले की फॉर्म में हो, सर्कुलर शेप में हो, वहां पर दर्शाया जाता है। काउंटर सिंकिंग के बाद जो डायमीटर क्रिएट हुआ है उसको दर्शाने के लिए हम लीडर लाइन बनाएंगे, एरो बनाएंगे और 530। यह काउंटर सिंकिंग की डायमेंशनिंग हो गई। यह काउंटर सिंकिंग के बीच का जो एंगल है जो बनाया है ताकि टूल का निर्धारण हो सके, उसके लिए यह हम एंगल यहां पर दर्शाने के लिए, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों भुजाएं, ये 45 और ये 45, तो टोटल एंगल जो इसके बीच में है 90 डिग्री, वह एंगल भी हमको दर्शाना आवश्यक होगा। यह हैचिंग हो गई, सेक्शनल व्यू दर्शाया है। तो हमने मोटा मोटी इस शीट पर डायमीटर, स्फीयर, रेडियस, टेपर, एंगल, काउंटर सिंकिंग एंड काउंटर बोरिंग में सामान्यतया कैसे डायमेंशन की जाती है यह देखा। अब दो और चीजें हम देखते हैं। जैसे यह मान लीजिए यहां पर स्क्रू थ्रेड्स कटे हुए हैं, इस पोर्शन में इंटरनल थ्रेड्स हैं, तो वो एक पतली लाइन से दर्शाए जाएंगे जिससे यह पता चले कि यह पोर्शन थ्रेडेड है। तो यहां पर हम स्क्रू की डायमेंशंस कैसे करेंगे वह दर्शाने के लिए, अब इस होल में जो स्क्रू थ्रेड्स हैं इंटरनल, उसके लिए यहां पर 5 mm 10 दर्शाएंगे और इसके बाहर हल्की लाइन से टूटा हुआ सर्कल, यह दर्शाएगा कि इसके अंदर थ्रेड्स हैं। तो स्क्रू थ्रेड की डायमेंशनिंग के लिए यह तरीका अडॉप्ट किया जाएगा।